दीदी दीदी बाहर आओ, मुझे लेट हो रही है। पापा देखो ना, दीदी कब से बाहर ही नहीं आ रही। अरे क्या हुआ शिवानी बेटा, मैं चाय बना रहा हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। दीदी बाहर आओ, पापा पापा जल्दी आइए। अरे निकलेगी बेटा, रुको मैं आया उधर, रुको। क्या है तुम लोग का रोज का, तुम लोग की वजह से मैं रोज ऑफिस में लेट हो जाता हूँ। सेजल बेटा, सेजल बेटा। दीदी दरवाजा खोलो। निकलो बाहर, ये क्या कर रही है इतना देरी अंदर। सेजल दरवाजा खोलो, सेजल। दीदी दीदी दरवाजा खोलो। सेजल बेटा, दीदी सेजल बेटा। नमस्कार, सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक में आप सभी का स्वागत है। गुजरात हमारे देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में से एक है, लेकिन आपराधिक मानसिकता वाले लोग ना तो खुद आगे बढ़ते हैं और ना ही कभी किसी और को आगे बढ़ने देते हैं। ऐसी ही एक सच्ची घटना आज हम आपको दिखा रहे हैं। हसमुख पारेख गांधीनगर में अपनी दो बेटियों सेजल और शिवानी के साथ रहते थे। हसमुख पारेख की बड़ी बेटी सेजल को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया था, लेकिन कॉलेज ज्वाइन करने के कुछ हफ्तों बाद सेजल बाथरूम में मृत पाई गई। ये तो साफ जाहिर था कि सेजल ने आत्महत्या की थी, लेकिन सवाल था कि उसने ऐसा क्यों किया। कल तक डॉक्टर बनने के सपने देखने वाली इतनी समझदार लड़की ने आखिर इतना गलत कदम कैसे उठा लिया? क्या किसी ने उसे इसके लिए मजबूर किया था? क्या था पूरा मामला, जानने के लिए देखते हैं पिछले कुछ अरसे की घटना। लो मैडम, बन गई आपकी चोटी। अब ना खुद बनाना सीख ले, वरना मुझे पापा को बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं पापा को मत बोलना, अभी तुमने ये बना दिया ना, तो इसे मैं अगले हफ्ते तक संभाल कर रखूंगी। फिर जब तुम अगले हफ्ते आ जाओगी तभी मैं तुमसे फिर से बनवा लूंगी। ऐसे एक एक हफ्ता करके तो मैं संभाल ही सकती हूँ ना। सो स्मार्ट ना, मैं मेडिकल कॉलेज की इतनी टफ पढ़ाई करने के बाद जब ब्रेक लेकर आऊँ तो तेरी छोटी बनाने के लिए आऊँ। स्टूपिड। आ जाओ, मैंने तुझे बोला था ना जल्दी जल्दी पैकिंग करवा ले, अभी तक पैकिंग भी नहीं हुई है, हमें जल्दी निकलना है ना। पापा ये देखो, पैकिंग मेरी सारी हो चुकी है बट ये बैग बंद ही नहीं हो रहा। क्यों मतलब आपने कितना सामान डाला है? अगर किसी ने गलती से भी देख लिया ना तो यही पूछेगा, पढ़ाई करने आई है या कैंटीन खोलने। हाँ पापा ये बात तो सही है। चुप रहो दोनों। पापा ये सब निकाल दीजिए ना, मैं नहीं खाती हूँ, इसके लिए रख दो, ये खा ले। जब आधी रात को है ना भूख लगेगी पढ़ते पढ़ते, तभी ये खा के याद करेगी पापा को। राइट पापा, बट फिलहाल आपको इसका ध्यान रखना है। हाँ पापा, अब दीदी चली जाएगी तो आपको मेरी छोटी भी बनानी पड़ेगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, बना दूंगा। चल आजा, भी हेल्प कर मुझे, आजा। एक्सक्यूज मी, नंबर फोर। ए डोंट वरी पापा, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। होगा तो कुछ नहीं, लेकिन इस रैगिंग वैगिंग के चक्कर में इस कॉलेज का नाम मैंने बहुत सुना है। होगा, फिकर नॉट, मैं हैंडल कर लूंगी। बाथरूम के अंदर हो कौन तुम? ये बाथरूम के अंदर था,
अभी के अभी बाहर निकलो, बाहर निकलो, ऐसे वरना वार्डन को बुलाऊं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, चिल यार, मैं कोई गुंडा उंडा नहीं हूँ, मेरा नाम रोहित है। रोहित है तो मैं क्या करूँ, तुम बाथरूम के अंदर क्या कर रहे थे? सुन तो लो, मैं संजना का फ्रेंड, एक्चुअली ये लोग चाहते थे कि मैं तुम्हें रैक करूँ, एंड सो आई एम हियर, बट आई थिंक तुम कुछ ज्यादा ही डर गए। लिसन, आई एम सॉरी। अच्छा अपना नाम तो बताओ। सेजल। वेल सेजल, दैट्स रोहित। आई एम रियली सॉरी यार, ये प्लीज रैगिंग वैगिंग भूल जाना। अभी तो मजाना शुरू होता है। हे सेजल, आई एम संजना, योर रूममेट। हाय। जिस दिन तुम्हें देखा था, आखिर तुम चीज ही ऐसी हो। रोहित प्लीज मेरे पास बताओ क्या करूं। रोहित हटो। रोहित वहां पर? रोहित क्या? मैं अकेली थी वहां पर। वो रोहित क्या हुआ? अरे आगे तो बोलो क्या हुआ। तुम अभी लॉबी में तेरे साथ ही है ना? लॉबी में? ये तो कब से मेरे साथ है यहाँ पे? नहीं समझ रहा, ये मेरे साथ था लॉबी में, मैंने मैंने खुद देखा इसे। कैसी बातें कर रही हो सेजल, ये मेरे साथ यहाँ बहुत देर से, अभी तुम्हारे सामने ही तो वॉशरूम से बाहर आया, पर लॉबी में कैसे हो सकता है? मुझे लगा वार्डन आई है इसलिए तुम चिल्ला रही हो। तभी तो मैंने इसे वॉशरूम में छिपने के लिए कहा। कैसे हो सकता है? मैंने किसे देख लिया बाबा अंधेरे में? तुम नींद में तो नहीं चल रही थी ना? सेजल, आर यू ओके? हां क्या हुआ इसे? नो यार, बोल भी नहीं रही है। संजना, हाँ क्लास हो गई? अच्छा हम लोग कैंटीन जा रहे हैं, तू भी वहीं आ जा। ओके हाँ हाँ, मैं वहीं पर आ रही हूँ, दो मिनट। दरवाजा किसने लॉक किया? कोई है? हेलो, कोई सुन रहा है? हेलो, दरवाजा खोलो, खोलो। डर क्यों रही हो? रोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरवाजा किसने लॉक किया है? शायद मेरे गुड लक ने, शायद वो चाहता है कि हम बार बार इसी तरह मिलते रहे। रोहित तुम प्लीज ऐसी बातें मत करो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कह रहे हो तुम? समझ में नहीं आ रहा? समझ के करोगे भी क्या? जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो, हर चीज किसी ना किसी रीजन की वजह से होती है। रोहित देखो देखो मेरे पास बता रहा प्लीज। रिसीव द कॉल संजना, उठाओ। संजना, कोई है? प्लीज प्लीज ऊपर आओ, मैं लॉक हो गई हूँ।
रखो ये। संजना प्लीज प्लीज ऊपर आओ, मैं लॉक हो गई हूँ। क्या हुआ सेजल, अब तक नीचे क्यों नहीं आई? रोहित क्या हो गया? बोलो ना क्या हुआ सेजल, नीचे आओ यार, सब ठीक तो है? क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? कुछ ठीक है। कैसी बातें कर रही हो सेजल, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने खुद देखा था ना, मैं और रोहित नीचे खड़े थे। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे तो मैं फर्स्ट टाइम फील हुआ है या पहले भी हो चुका है? मेरी बात मानो, सब कुछ भूल जाओ, जस्ट रिलैक्स। सेजल बस करो ना यार, मुझे ना तुमसे डर लगने लग गया। अच्छा सुनो बेबी, मैं नीचे फीस देता हूँ और वहीं तुम्हारी वेट कर रहा हूँ। सी यू गर्ल्स। देखा बेकार में मूड ऑफ कर दिया ना रोहित का। लुक मैं तुम्हें एक ही बात सजेस्ट करूंगी, तुम इससे ना थोड़ा बच कर रहो। मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता ये लड़का, जब तुम आसपास नहीं होती हो तो वो क्या वो फ्लर्ट करता है मेरे साथ। हे भगवान, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। सेजल पिछले 20 मिनट से जिस तरह तुम रोहित को घूर रही थी ना, उससे तो मुझे लगता है कि तुम उसके साथ फ्लर्ट करने का ट्राई कर रही हो। कुछ भी। रोहित तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चुप चुप चुप, अगर चीखोगी ना तो वार्डन आ जाएगी, और वार्डन आ गई तो हम दोनों को बाहर निकाल देगी। देखो प्लीज दूर रहकर बात करो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? संजना कहाँ है? संजना, अरे मैं हूँ ना तुम्हारे पास। रोहित प्लीज प्लीज, रोहित क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए, होश में हो? क्या चाहते हो? बताऊ क्या चाहता हूँ? तुम्हें चाहता हूँ मैं। रोहित प्लीज प्लीज, देखो तुम होश में नहीं हो, तुम जाओ यहाँ से। होश तो उस दिन खो दिया था, तुमने वो चांटा मारा था, पूरा दिमाग घूम गया। रोहित छोड़ो मुझे, पागल हो गया? मैं वार्डन को बुलाऊंगी, छोड़ो मुझे। बुलाओ बुलाओ वार्डन, वार्डन वार्डन। चीखो उधर, वो रहा दरवाजा। आई मैंने आपको कहा ना, देख। क्या हुआ? कोई नहीं यहाँ पर। मैं वो यहीं पर था, मैं आई तभी वो सोया थी, यहीं पर था। मैंने खुद सेजल, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ सेजल, तुमने फिर से रोहित को क्या यहाँ वहाँ देख लिया? संजना प्लीज यार, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अरे बाबा मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो, पर ये तो प्रॉब्लम है ना यार, प्रॉब्लम तो मुझे हो रही है। आई मीन चाहता क्या है रोहित? जब देखो मेरे आसपास घूमते रहता है, मुझे परेशान करते रहता है और मुझे छूने की कोशिश करता है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है ये सब। क्या सेजल, तुम यहाँ डॉक्टर बनने आई हो, पर मुझे तो लगता है तुम्हें ज्यादा डॉक्टर की जरूरत है। अच्छा सुमीन मैं पागल हूँ राइट? और नहीं तो क्या, मेरे बॉयफ्रेंड को तुम दिन रात यहाँ वहाँ देखती रहती हो, उसके बारे में सोचती रहती हो, इतना पसंद है क्या? चलो बहुत नींद आ रही है मुझे भी, बहुत रात हो गई, तुम भी सो जाओ। संजना का बॉयफ्रेंड रोहित उसकी रूममेट सेजल को परेशान करता था। मजाक से शुरू हुई बात अब ज्यादतियों में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन संजना सेजल की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। उल्टे उसने सेजल पर इल्जाम लगाया कि वो ही उसके बॉयफ्रेंड में इंटरेस्टेड है और ये सब उसका वहम या पागलपन है। आखिर क्या हो रहा था सेजल के साथ,
क्या उसे वाकई रोहित दिखाई देता था या महज उसका वहम था? ये बात दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। आखिर ये अजीबोगरीब घटनाएं कहां लेकर जाने वाली थी सेजल को? और बता, कैसी रही तेरी गांधीनगर की ट्रिप? ठीक थी। दिमाग हल्का हुआ या अभी भी उल्टी सीधी बातें सोच रही है? तुम तो ऐसे ही कहोगी ना। तो और क्या कहूँ यार, तू इतना सोचती रहती है। इसलिए इसका मेरे पास सलूशन है, तू मेरे साथ पार्टी में चल रही है। मुझे कोई पार्टी में नहीं आना, प्लीज तुम जाओ और वो रोहित रहेगा वहाँ। मैं नहीं चाहती वापस से कोई भी गड़बड़ हो। हेलो, वो मेरा बॉयफ्रेंड है एंड यू नो व्हाट, अब वो तुमसे घबराने लगा है जब से तुमने उसे घूरना जो शुरू किया। लुक, मेरा बिल्कुल मन नहीं है और मुझे नहीं आना है, तुम प्लीज जाओ। नो प्लीज, स्मृति की बर्थडे पार्टी है, पूरा कॉलेज वहां पर होगा। कम ऑन एंड ट्रस्ट मी, तुम चलोगी ना तो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। नो, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। कम कम, लेट्स गो। नो नो नो, एक मिनट संजना, ये कहाँ है हम लोग? आई मीन किसका घर है? तुमने कहा पार्टी में जा रहे हैं। हाँ पापा, पार्टी ही जाएंगे। ये रोहित का घर है, उसी के साथ तो जाएंगे ना। अरे एक मिनट रुक तो सही। देखो संजना, मैंने पहले ही बोला था मुझे नहीं जाना है, पर तुम रोहित के घर पे ले आई। वार्डन को नहीं पता है, हॉस्टल से छुप के निकले, किसी ने देख लिया तो। हेलो गर्ल्स, हाय हाय हाय, एंड एज यूजुअल यू आर लेट। देख देख, कॉम्प्लीमेंट देने के बजाय कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। अच्छा बाबा, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। या या, ये क्या है, तुम तो रेडी भी नहीं हुए। यार मैं अभी जिम से आया था, थोड़ा लेट हो गया, बट दो मिनट में तैयार हो जाऊंगा। अब तुम लोग प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल ना, 10 मिनट, आई विल बी बैक। निकफा, डेफिनेटली। देखा, उसे 10 मिनट और लगेंगे, अगर किसी ने देख लिया ना बुरी प्रॉब्लम हो जाएगी यार। अंदर क्यों आ जाएगा? तुमने, मैंने कहा था मुझे जो नई बात करनी है उससे, उसी के घर पे ले आई। चलो 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 चलो, लेट्स गो लेट्स गो चले। ओह नो, केक। अब ये मत कहना कि तुम केक भूल गए हो। सॉरी रोहित, कब और कैसे जाएंगे पार्टी में अब? यू नो व्हाट, एक आईडिया है, अगर हम गाड़ी पे गए ना बहुत टाइम लगेगा, तुम और मैं जल्दी से बाइक पे जाते हैं और केक ले आते हैं। और सेजल, तुम यहीं रुको ना तब तक। हां नहीं संजना, मैं अकेले क्या करूंगी? सेजल, क्या 10 मिनट की बात है, यूं गए और यूं आए, और ये भी तो तुम्हारा ही घर है। आई मीन, अच्छा फ्रिज में ना जूस भी पड़ा है, वो पी लेना, ठीक है? डोंट वरी, हम जल्दी आ जाएंगे। जल्दी जल्दी चलो, विल बी बैक।
आ गई मैडम, अब कैसा लग रहा है? क्या हुआ? कुछ ठीक नहीं लग रहा है संजना, कुछ गलत हुआ है मेरे साथ। देख, मुझको लगता है तू बहुत स्ट्रेस में, तू एक दिन रेस्ट कर, कल तक एकदम फ्रेश हो जाएगी। एंड डोंट वरी, कोई गड़बड़ नहीं, गड़बड़ मुझ में नहीं, गड़बड़ तुम्हारे बॉयफ्रेंड में है संजना। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तुम सो जाओ और ज्यादा मत सोचो, ओके? मुझे कुछ चीज से याद नहीं है संजना, वो फीलिंग मैं कभी भूल नहीं सकती। I'm sure उस रोहित ने मेरे साथ कुछ गलत किया है। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? वो मेरा बॉयफ्रेंड है, exactly। यही तो प्रॉब्लम है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अगर वो तुम्हारे साथ है तो मुझे परेशान क्यों करता है? क्यों बार-बार मेरे नजदीक आने की कोशिश करता है? Enough is enough, Sejal। रोहित ये, रोहित वो, अरे उसको हद ही कर दी, हाँ? रोहित मेरे साथ था पार्टी में। क्या हुआ था सेजल के साथ पिछली रात? संजना के मुताबिक उसका बॉयफ्रेंड रोहित रात भर उसके साथ पार्टी में था, तो फिर सेजल के रूम में कौन आया था? किसने की उसके साथ गलत हरकत? और अगर संजना सच बोल रही थी तो क्या सेजल किसी वहम की शिकार हो चुकी थी या इस बात के पीछे कोई और राज था? सेजल कुछ समझ नहीं पा रही थी और आखिर उसने इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सुलझाने का फैसला कर लिया। सब जब मैं घर में ही नहीं था तो मैं सेजल के साथ ये सब कैसे कर सकता हूँ? सर, रोहित मेरे साथ था पार्टी में जहाँ पूरा कॉलेज मौजूद था, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। जी हाँ सर, रोहित कल सारी रात हमारे साथ ही पार्टी में था। ठीक है, आज सुबह कॉलेज जाने से पहले क्या हुआ था? समय जब घर पहुंचा तो देखा कि सेजल तब तक सो रही थी। मुझे लगा शायद बीमार होने की वजह से उसकी नींद नहीं खुल रही, इसलिए मैंने उसे उठाया नहीं और मैं कॉलेज आ गया सर। इसकी कोई विटनेस है? ऑफ कोर्स सर, बहुत सारे लोगों ने मुझे देखा, इनफैक्ट कुछ टीचर्स ने भी। नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है कल रात में इसने सेजल। एक बार बोलने से पहले सोच तो लिया होता, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? सर, मुझे लगता है सेजल बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर में है, इसलिए वो कुछ भी इमेजिन कर रही है। सर, मैं कोई बात इमेजिन नहीं कर रही। सेजल, तुम शांत रहो। सर, आप प्लीज मेरी बात देखो, तुम्हारी सबसे पहली गलती ये है कि तुम रात को हॉस्टल से बाहर गई और फिर कहीं और जाकर सो गई रात भर, और अब इल्जाम लगा रही हो रोहित पर, जबकि वो तो खुद पूरी रात अपने घर पर था ही नहीं। तो मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना, अब तुम जाओ और जाकर आराम करो। चीखना। हाँ तो चीखूंगी। चीख। कोई है? चुप, एकदम चुप। ये जो होंठ है ना, इसे बंद कर, और ये जो आंखें हैं इन्हें खोल। देख। तब तो बड़ा मजा आ रहा था। हाँ, क्या हुआ?
डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, उससे पहले सेलिब्रिटी बन जाएगी। मुझे चांटा मरा था ना, इन्हीं हाथों से मरा था ना तुम्हें चांटा। कैसे आ गई? क्यों, तुझसे मिलने नहीं आ सकती मैं? छुट्टी लेकर आई हो तो? दीदी तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? पागल, परेशान नहीं हूँ मैं, वो पढ़ाई बहुत है ना, थोड़ा सा स्ट्रेस है बस। सेजल मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में इसलिए आई थी ताकि वो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा सके, लेकिन यहां आकर उसके साथ जो कुछ हुआ उससे वो सदमे में थी। रोहित ने न सिर्फ उसके साथ बदसलूकी की थी बल्कि उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया था और अब वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे समाज में जब महिलाओं के साथ अपराध होता है तब भी उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाता है और महिलाएं बदनामी के डर से खामोश रह जाती हैं। घर वाले जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो गुस्से या डर की वजह से लड़कियों की पढ़ाई छुड़वाकर उन्हें घर पर बैठा देते हैं और समाज की इसी कमजोर सोच की वजह से महिलाएं अपने साथ हुए अपराध छिपाती हैं। और सेजल भी अब ऐसा ही कर रही थी, लेकिन क्या ऐसा करने से उसकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? दीदी आज कितना मजा आया ना, मैं सच्ची बताऊं तुम नहीं होती तो मेरा शॉपिंग पे जाने का मन ही नहीं करता था। सच्ची दीदी आज बहुत मजा आया। अरे सेजल कैसी हो यार तुम? यहाँ मेरा घर है, यहाँ तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं तो बस यहाँ वैसे ही। दीदी तुम इसे जानती हो? Of course, जानती है ना, लेकिन I'm sure इसने तुम्हें बताया नहीं होगा। क्यों नहीं बताया ना? क्या यार सेजल, तुमने बताया नहीं तुम यहाँ रहती हो। पता है तुम्हारी बहन तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं। चलो मैं आप ही से दोस्ती कर लेता हूँ। I'm Rohit. I'm Shivani. So nice to meet you. Same here. कहीं तुम्हें भी अपनी बहन की तरह बुक्स में तो दिलचस्पी नहीं है? ना ना, मुझे तो बुक्स से एलर्जी है। ये हुई ना बात। हमारी तो बहुत पटेगी। तुम आओ ना किसी वीकेंड पे कॉलेज, तुम मैं और तुम्हारी बहन, हम सारे कहीं बाहर चले, बहुत मजा करेंगे। आइडिया अच्छा है। और तुम्हारी स्माइल। अब रोहित प्लीज, हमें पापा के साथ कहीं बाहर जाना है, इफ यू डोंट माइंड। या ऑफ कोर्स, मैं भी बस जा ही रहा हूं। ओके शिवानी, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। चलो शिवानी। अरे दीदी हमें कहां बाहर जाना है पापा के साथ? मुंह बंद करो और चल मेरे साथ। तो फिर तुमने उसे इतना जल्दी क्यों भगा दिया? शट अप एंड वॉक। अरे क्या हो गया दीदी? अच्छा चलो ठीक है, मैं ना आपको जो हम लोग मार्केट से कपड़े लाए ना वो ट्राई करके दिखाती हूं, ठीक है? ठीक है दीदी। ठीक है। दीदी दीदी बताओ ना कैसा लग रहा है? दीदी बोलो तो सही कुछ अच्छे से। हाँ ठीक है। और दीदी ऐसे कैसा लग रहा है? दीदी इसको इतना रखू कि इतना रखू? ये अच्छा है ना पैटर्न? पापा पता है वो तो 350 बोल रहा था, लेकिन मैंने उसे 200 में ही पटा लिया। शाबाश, ऐसे ही पापा के पैसे बचाते रहो। जरा रोटी तो आप। वो तूने न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा, वो स्टेट के सीएम वाला? हाँ हाँ, वो हिट एंड रन केस वाला। हाँ हाँ बराबर। देखा मुझे अब से ज्यादा पता है। अरे चल चल देवा दे। नहीं मुझे सब पहले से पता। वो तो तू लॉ पढ़ रही है ना, इसलिए तुझे सब पता रहता है, वरना तुझे कौन सा मालूम था? प्लीज ना पापा, मुझे सब पहले से ही पता था। अरे सेजल तुम खाना नहीं खा रही हो, आओ ना। काश
काश तुम कभी बड़ी नहीं होती शिवानी। इस दुनिया का जो चेहरा मैंने देखा है, काश तुम्हें कभी ना देखना पड़े। तुम्हारी बहन की पिक्चर कैसी लगी? अच्छी है ना? गुड। तुम्हारी बहन भी। अपनी बहन को लेके फ्लैट नंबर 801 सरोजनी नगर अहमदाबाद पहुंच जाना ठीक 8 बजे। और अगर तुम वहां नहीं पहुंचे, तुम्हारी पिक्चर सुबह तक कॉलेज के हर स्टूडेंट के मोबाइल पे पहुंच जाएगी। वीकेंड पे कॉलेज, अब तुम, मैं और तुम्हारी बहन, हम सारे कहीं बाहर चले, बहुत मजा करेंगे। आइडिया अच्छा है। और तुम्हारी स्माइल। दीदी, दीदी दरवाजा खोलो। सेजल बेटा। दीदी। सेजल बेटा। मिस्टर पारिक, मैं जानता हूँ ये सही वक्त नहीं है, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ। आपकी जवान बेटी ने सुसाइड किया है और मेरी दीदी ने सुसाइड नहीं किया। मेरी दीदी सुसाइड करने वालों में से नहीं थी। देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, उसके लिए आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। लेकिन फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना है। जरा सोचिए कितनी घुटन रही होगी उस लड़की के मन में जिसने इतना खतरनाक कदम उठाने का फैसला कर लिया। डॉक्टर बनकर लोगों को जीवन देने का सपना देखने वाली लड़की ने अपनी जान खुद ले ली। आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं है, ये सिर्फ एक गलत कदम है। और आत्महत्या के लिए मजबूर करने वालों की हिम्मत ऐसे कदम से और ज्यादा बढ़ जाती है। सेजल के बाद रोहित की नजर शिवानी पर थी और शिवानी अब बिल्कुल अकेली थी। क्या होगा शिवानी के साथ? क्या वो भी रोहित की शिकार बन जाएगी? क्या वो भी अपनी बहन की तरह खामोश मौत मर जाएगी? लेकिन इस सबसे अनजान शिवानी ने अपनी बहन की मौत के राज से पर्दा उठाने की ठान ली थी। देखिए, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन करें भी तो किस बेसिस पर? मुझे मुझे पक्का यकीन है कोई तो प्रॉब्लम थी दीदी के कॉलेज में। कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, ये दीदी का मोबाइल, इसमें से सारे मैसेजेस डिलीटेड है। दीदी का मोबाइल कभी खाली नहीं रहता था, इसमें हमेशा मैसेजेस रहते थे। लेकिन इस बार ये खाली कैसे? तुम्हारी दीदी ने मैसेज डिलीट कर दिए होंगे। वही तो, दीदी ने मैसेजेस क्यों डिलीट किए? वो जरूर हमसे कुछ छुपा रही थी। दीदी को पता था कि मैं उनके मोबाइल से छेड़खानी करती हूँ और इसलिए उन्होंने ऐसा किया हो। ये तो कोई वजह नहीं बनती। वजह ये नहीं, वजह ये है जिसकी वजह से दीदी ने मैसेजेस डिलीट किए। दीदी अचानक से घर आ गई, चुप चुप रहने लगी। जरूर कुछ तो उनके कॉलेज में हुआ होगा। तुम्हें किसी पर शक है? सेजल के कॉलेज के कोई दोस्त वगैरह जिसे तुम जानती हो? तुम आओ ना किसी वीकेंड पे कॉलेज, तुम, मैं और तुम्हारी बहन, हम सारे कहीं बाहर चलें, बहुत मजा करेंगे। जानती तो नहीं, मगर उस दिन मार्केट में दीदी के कॉलेज का एक लड़का हमें मिला था। दीदी कुछ उससे अजीब सा ही बर्ताव कर रही थी और उस समय मुझे गड़बड़ लगी। सॉरी, मगर आपको कुछ अजीब लगना, मोबाइल में मैसेज नहीं होना, ये एक सबूत तो बेशक नहीं हो सकता, लेकिन अफसोस है कि इसके बिना पर मैं कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकता। ऐसे कैसे नहीं कर सकते? I'm sorry. जब तक कोई ठोस वजह नहीं मिलती हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे कैसे पता होगा शिवानी कि सेजल ने सुसाइड क्यों की? मुझे पक्का यकीन है इसका कुछ ना कुछ कॉलेज से ही लेना देना है। एक लड़का था जो दीदी को परेशान कर रहा था, मैं उसे पहचान भी सकती हूँ। देखो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो फिर उस दिन तुम प्रिंसिपल के ऑफिस में क्या कर रही थी जिस दिन दीदी ने कंप्लेन की थी? ये तुम सिक्स ने का बस कहा किसी ने,
जो मेरी मदद करना चाहते हैं। मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? और तुम यहाँ मुझ पर इल्जाम लगाने आई हो? मेरी दीदी ने सुसाइड किया है संजना, किसी पर झूठा इल्जाम लगा के मुझे क्या मिल जाएगा? देखो बस बहुत हो गया, मुझे जितना पता था मैंने तुम्हें सब बता दिया, प्लीज जाओ। I'm sorry. इसका मतलब तुम कुछ जानती हो? मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। शिवानी, जब से मैंने ये बात सुनी है एक रात भी चैन से नहीं सोई, और मेरा यकीन मानो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो फिर कौन है वो संजना? जानती हूँ, शिवानी ने मुझसे एक बार उसके बारे में कहा था। मुझे लगा वो अभी तक रैगिंग के मजाक से बाहर ही नहीं निकली, इसलिए ऐसा बोल रही। सब सच सच बताओ मुझे संजना। चलो मेरे साथ। Come on, 31, 32, 33। अरे नीचे जाना यार, क्या कर रहा है? एक ही शक्ल के दो जुड़वा भाई, रोहित और मोहित, जिन्हें एक साथ देखो तो ऐसा लगे जैसे बीच में आईना है। रोहित को कॉलेज में सब जानते थे, क्योंकि मोहित कॉलेज से नहीं था इसलिए किसी को उसके बारे में पता नहीं था। वो कई बार रोहित बनके कॉलेज में चला जाता और कोई उसे पहचान नहीं पाता, सिवाय मेरे और रोहित के दो तीन खास दोस्तों के, जो जानते थे कि रोहित का एक जुड़वा भाई भी है मोहित। ये इन दोनों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, न जाने इन्होंने कितने लोगों के साथ सेम चीज़ की है, पर कभी भी बात इतनी सीरियस नहीं हुई। कॉलेज में रैगिंग करना बैन था, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि रोहित और मोहित का फायदा उठाते हैं। लेकिन अगर उसे पता चल गया तो? आज तक इसे पता चला है, जो उसे पता चलेगा। वैसे भी वो कॉलेज में नहीं है, ऐसा घुमाऊंगा ना कि वो खुद को पागल समझने लग जाएगी, मजा आएगा। हाँ, उसे तो शायद पता भी नहीं चलेगा कि हम उसकी रैगिंग कर रहे हैं। उसे क्या, किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये ना सिर्फ तुम दोनों ही कर सकते हो। हाँ लेकिन प्लीज, हम ना उसे ज्यादा दिन तक परेशान नहीं करेंगे यार, कहीं वो सच में पागल हो गई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ मेरे दयावान, बता देंगे उसे जल्दी बस। हे स्मृति का बर्थडे आ रहा है, क्यों ना उसमें पोल खोल दे, पूरा कॉलेज होगा, बहुत मजा आएगा। बस से आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। हां है ना? एग्री। मैं मोहित को एक बिगड़ा हुआ सिर्फ ऐसा लड़का समझती थी, और मेरा और रोहित का प्लान भी सिर्फ मजाक का ही था। लेकिन पता नहीं कब मोहित ने ये सब सोच लिया, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, पर हमें सेजल को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ती। जल्दी चलो, हमें नहीं तो लेट हो जाएगा और वो वेट करती रहेगी हमारी फिर उसके बाद। तुम देखकर क्यों नहीं चलते, बैंडेज कहाँ है? वही शायद फर्स्ट एड बॉक्स में होगी। कितनी बारी बोला ध्यान से चला करो। अच्छा ठीक है ना, चलो चलो। सेजल, इसे क्या हुआ? पता नहीं यार, जब मैं आया था तो ऐसी बेहोश पड़ी थी। रोहित, सेजल की तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे लगता है हमें पार्टी कैंसिल कर देनी चाहिए। कैंसिल क्यों करना है? मोहित है ना, ये ध्यान रख लेगा उसका। हाँ यार, मैं तो हुई ना, तुम लोग क्यों पार्टी खराब कर रहे हो? जाओ, कल सुबह इसे कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। ये अच्छा आइडिया। नहीं यार। प्लीज। Are you sure? हाँ, I'm sure. Come on, उठाओ, चलो। चल, see you. चल, see you मोहित। हमने सोचा था कि सेजल को पार्टी की रात को ही सब सच बता देंगे, लेकिन अगले दिन सुबह ही वो रोहित पर इल्जाम लगाने लगी कि उसने उसके साथ गलत करने की कोशिश की। लेकिन मैं तो जानती थी ना कि रोहित मेरे साथ पार्टी में था, और जिसे वो रोहित समझ रही है वो मोहित है, और ये मैं उसे बता भी नहीं सकती। लेकिन इस बात पर मेरा रोहित से बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ। मैं क्या कर सकता हूँ? क्या करूँ, मोहित तुम्हारा भाई है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? ऊपर से सेजल को लगता है कि वो तुम थे। मैं उसे बता भी नहीं सकती कि वो मोहित था। अच्छा ठीक है बाबा, तुम रिलैक्स करो, हम कुछ करते हैं। सबसे मैं तुम्हारे प्लान का कोई भी हिस्सा नहीं। अरे यार, पर मैं तो तुम्हारे साथ था ना, तुम मुझ पर ही क्यों? तुम मेरे साथ थे, लेकिन सेजल के साथ जो, वो तो कोई नहीं बदल सकता ना। अच्छा ठीक है, देखो जब ये सब हुआ हम सब साथ थे, अगर सेजल ने अपना मुंह खोल दिया ना तो देखो प्लीज। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह मोहित ने, लेकिन सबको लग रहा था कि इसमें मेरा और रोहित का भी हाथ है। क्या तुम ये सब पुलिस को बता सकती हो? संजना, रोहित और मोहित, ये तीनों मिलकर सेजल के साथ एक गंदा मजाक कर रहे थे। बात रैगिंग से शुरू हुई और सेजल की मौत पर जाकर खत्म हुई। सालों से बोर्डिंग स्कूल्स और हॉस्टल्स में रैगिंग के नाम पर स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा है।
जिसके गंभीर परिणामों को देखते हुए रैगिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए हैं। याद रखिए, रैगिंग प्रोहिबिशन एक्ट के तहत रैगिंग करने वाले व्यक्ति को आईपीसी के सेक्शन 506 के तहत 7 साल कैद तक की सजा हो सकती है। सेजल के साथ एक गंभीर अपराध हुआ था, लेकिन सवाल यह था दोनों भाइयों में से उसका गुनहगार कौन था। संजना अनजाने में इस अपराध की हिस्सेदार बनी थी, लेकिन अब सब कुछ जानने के बाद क्या वो अपराधियों का साथ देगी या इंसाफ का? अबे क्या कर रहा है यार, जल्दी पैकिंग करना, हम घूमने नहीं जा रहे हैं। अरे यार कर रहा हूं ना। अच्छा सुन, तू ना सारे पैसे निकाल ले और उसके बाद एटीएम कार्ड फेंक दे, हम एटीएम कार्ड वापस यूज नहीं करेंगे, समझा? एक सेकंड यार, बेल बज गई। मोहित क्या हुआ? अरे कौन है घर पे? आप गलत कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ना, मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं। गलती तो तूने की है, सबूत छोड़ कर। हवलदार, लेकर आओ। मेरी कोई गलती नहीं है, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। देख तेरे घर से हमें क्या मिला है। हेलो रोहित। संजना तुमने क्यों फोन किया यार, मैंने मना किया था ना मुझे कॉल करने के लिए। अरे गड़बड़ हो गई है, मोहित ने तुम्हारा नाम पुलिस के सामने ले लिया है। क्या? हाँ देखो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन वो सेजल की बहन तुम्हें फंसाना चाहती है। ये बेवकूफ ना, और ये मोहित ने क्यों? ये सब छोड़ो, मेरी बात सुनो, तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। हाँ यार ठीक है, मैं दूर चला जाऊंगा, यहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं। लेकिन जाने से पहले एक बार मुझसे मिलकर तो जाओगे ना? अच्छा ठीक है, वो कॉलेज के पीछे जो ग्राउंड है ना, वहाँ मुझे 10 मिनट में मिलो, ओके? लेट मत करना। संजना, थैंक यू संजना, मुझे पूरा विश्वास था कोई मुझ पे भरोसा करे ना करे, तुम जरूर करोगी। थैंक यू संजना। क्योंकि तुम मुझे बेवकूफ समझते हो ना। बेवकूफ? जी, मुझे लगता था तुम जैसे भी हो, लेकिन इतना घटिया काम कभी नहीं करोगे। मतलब? तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर संजना छोड़ो, संजना छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। क्या करेगा संजना? यार मेरी कोई गलती नहीं है संजना, क्या किया तुमने? छोड़ो मुझे, मैंने किसी को नहीं मारा। ये वो रिकॉर्डिंग है जो हमें मोहित के घर उसके लैपटॉप से मिली। थैंक यू, तो मुझे तुम दोनों को बोलना चाहिए, खास करके शिवानी को, जिसने अपने बहन को इंसाफ दिलाने के लिए इन दोनों भाइयों को अंदर करवाया। सेजल के मोलेस्टेशन और उसे आत्महत्या करने पर मजबूर करने के लिए जुड़वा भाइयों रोहित और मोहित को आईपीसी के सेक्शन 354 और 306 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अपनी बहन की मौत के लिए जिम्मेदार अपराधियों को सजा दिलवाकर शिवानी ने इंसाफ हासिल किया और यह भी साबित कर दिया कि समस्या से भागने के बजाय उसका सामना करना ज्यादा सही कदम है। काश कि यह हिम्मत सेजल ने दिखाई होती तो आज वो जीवित होती। ये थी गुजरात के गांधीनगर की एक सच्ची घटना। तो देखते रहिए सावधान इंडिया, जिसमें हम आपको रूबरू करवा रहे हैं देश के कोने कोने से अपराध के खिलाफ जंग की चौंका देने वाली सच्ची घटनाएं। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।